मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस्लाम ही वो धर्म है जिसे बहुत सारे लोग आए दिन अपनाते रहते हैं। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद कहते हैं कि मैंने जितना भी धर्म अभी तक देखा, जितने भी धर्मों के बारे में मैंने पढ़ा, उसमें सबसे अच्छा धर्म मुझे इस्लाम नज़र आया, सबसे सच्चा धर्म मुझे इस्लाम ही नज़र आया, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। अब एक बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब में ब्रिटेन के राजनयिक ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने इसका खुलासा अपने ट्विटर हैंडल से किया है और मदीना से अपनी तस्वीर भी पोस्ट की है। जिद्दा में ब्रिटिश काउंसिल जनरल ने अपना नाम बदलकर अब सैफ अशर कर लिया है। अशर ऐसे दूसरे ब्रितानी राजनयिक हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। सोशल मीडिया पर अशर की एक तस्वीर काफ़ी वायरल की जा रही है जिसमें वो मदीना की अल नबवी मस्जिद में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अपने ट्वीट में अशर ने लिखा, अपने पसंदीदा शहर मदीना लौटकर और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अशर ने यह भी लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि ब्रिटिश मुस्लिम मदीना फिर से लौटेंगे। उन्होंने लिखा कि कोरोना संकट से पहले हर साल 1 लाख से ज़्यादा यात्री यहाँ आते थे। सऊदी में जारी शानदार विकास और सुविधाओं को देखते हुए मुझे ये यकीन है कि वो संख्या दोबारा फिर से बढ़ेगी और लोग फिर आएंगे। आपको बता दें कि अशर पहले ब्रिटिश राजनयिक नहीं हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया हो। इससे पहले सऊदी अरब में ब्रितानी राजनयिक कैलिस ने भी इस्लाम अपनाकर साल 2016 में हज यात्रा की थी। कैलिस ने कहा था कि 30 सालों तक मुस्लिम समुदायों के बीच रहने के बाद और हुदा से शादी से ठीक पहले मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो लगातार इस्लाम धर्म को अपनाने की ऐसी खबर दुनिया के कोने कोने से मिलती है। जब वो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं तो कहते हैं कि मैंने जितने धर्मों के बारे में स्टडी की, जितने धर्मों के लोगों से मिला और जितने धर्मों के बारे में पढ़ा, उसमें सबसे अच्छा और सच्चा धर्म मुझे इस्लाम ही नज़र आया, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। अब सऊदी अरब में ब्रिटेन के राजनयिक ने इस्लाम कबूल कर लिया और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने कहा कि मैं मदीना पहुंचकर और मदीना में मस्जिद अल नबवी में पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश हूं। मैंने यहां फजर की नमाज अदा की है। अब वो अपना नाम बदलकर सैफ अशर कर लिया है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपए और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपए। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।